आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 22। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर का दो क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट के साथ-साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। यह स्टूडेंट इस चैप्टर से आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस तरीके से कराता हूं कि आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। बताना है आपको cos 45 डिग्री का मान किसके बराबर है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। आपको बताना है कि cos 22 डिग्री का मान किसके बराबर है, यह आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा रखा होगा कि cos थीटा बराबर आपका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 माइनस का 1। cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 माइनस का 1। अब ये स्टूडेंट यहां पर थीटा बराबर 45 डिग्री लेंगे, इस फार्मूला में थीटा बराबर 45 डिग्री लेंगे तो आपका हो जाएगा cos 45 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर। यहां पर थीटा का मान 45 डिग्री है और 45 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 22.5 डिग्री मिलेगा, यानी 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री और माइनस का आपका 1 हो जाएगा। अब देखो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 का क्वाड्रेंट में 2 होता है, माइनस 1 है, जब लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम आपको मिलेगा कर्णी के अंदर तो ऊपर आपको मिल जाएगा कर्णी में 2^2 बराबर आपका है 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। आपको केवल 22.5 डिग्री का मान चाहिए तो यहाँ से देखिएगा आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर 22.5 डिग्री की जो वैल्यू आएगी, 2 को भी आप नीचे में कर लो, 2 को भी आप कर्णी में 2 के साथ कर लो तो मिलेगा आपको कर्णी में 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 कर्णी के अंदर 2। आपको केवल और केवल cos 22.5 डिग्री का मान चाहिए, यहाँ पर आपने निकाला है cos स्क्वायर 22.5 डिग्री का मान, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं cos 22.5 डिग्री। तो cos 22.5 डिग्री का मान जो होगा वो आपका रूट ओवर कर्णी के अंदर 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 कर्णी के अंदर 2 के बराबर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट मैं cos 22.5 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या किया, दोनों तरफ कर्णी लगाया, इधर कर्णी लगाएंगे तो आपको मिलेगा cos 22.5 डिग्री और यहाँ पर आप लोग कर्णी लगाएंगे इस वाली वैल्यू पर तो पूरे पर आपका कर्णी आ जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को कैसे सॉल्व करना है। इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस आपको बेसिक फार्मूला और क्वेश्चन का बेसिक कांसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को आपको दे रखा है cos स्क्वायर पाई / 16, आपको दे रखा है cos स्क्वायर पाई / 16 प्लस का cos स्क्वायर 3 पाई / 16, cos स्क्वायर 3 पाई / 16 प्लस का cos स्क्वायर 9 पाई / 16, cos स्क्वायर 9 पाई / 16 प्लस का आपको दे रखा है cos स्क्वायर 11 पाई / 16। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है, तो ध्यान
से समझिएगा ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि cos 2 थीटा बराबर आपका क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर आपका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस टर्म। तो यहाँ से यदि मैं केवल और केवल cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछूं तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपका हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस का 1 के बराबर। आपको cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपका हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय। तो इस फार्मूले से यानी cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इस फार्मूले के सहायता से आप यदि आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा आपको cos 2 थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यही फॉर्म आपको अपनाना है इस क्वेश्चन के लिए। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे आपका है cos स्क्वायर पाई बाय 60, आपको दे रखा है dx स्क्वायर cos स्क्वायर पाई बाय 60, हमको cos 2 थीटा के फॉर्म में आना है। तो देखिएगा cos 2 थीटा की वैल्यू हम लेंगे पाई बाय 60, तो cos 2 थीटा बराबर आपका क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो 2 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू में लिख दिया है पाई बाय 60 और माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखना dx में 2 से काटेंगे तो 2 8 16, तो यहां से मिलेगा आपको cos पाई बाय 8 और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाय 60। आपको केवल और केवल cos स्क्वायर पाई बाय 60 की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा cos पाई बाय 8 प्लस का 1 और 2 आपका बट्टे में चला आ जाएगा तो बट्टे का 2 हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसी तरह जैसे आपका cos स्क्वायर पाई बाय 60 की वैल्यू cos पाई बाय 8 प्लस का 1 डिवाइड बाय 2 आया, सेम टू सेम dx स्टूडेंट यानी पाई बाय 16 है तो पाई बाय 8 डिवाइड बाय 2 के रूप में आ रहा है। उसी प्रकार से यदि आपका 3 पाई बाय 16 होगा तो कैसे आएगा, 3 पाई बाय 16 होगा तो 3 बाय पाई 8 के रूप में आएगा और 9 पाई बाय 16 है तो ये आपका 9 पाई बाय 8 के रूप में आएगा और जो आपका 11 पाई बाय 16 है ये आपका 11 पाई बाय 8 के रूप में आएगा। तो इसी फॉर्म में सारी वैल्यू को चेंज करते हैं तो देखिएगा ये आपका cos स्क्वायर पाई बाय 16 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाय 8 cos पाई बाय 8 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का। इसको आप इसी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा आपका हो जाएगा cos 3 पाई बाय 8 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 और सेम टू सेम इसी फॉर्म में आप इस वाली वैल्यू को लिखेंगे तो आपको मिलेगा cos 9 पाई बाय 8 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 के रूप में। सेम टू सेम इसको भी आप लिख लीजिए तो आपको मिलेगा cos 11 पाई बाय 8 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 के रूप में आपको मिल जाएगा। अब ये स्टूडेंट 1/2 यहां पर भी है, 1/2 यहां पर भी है, 1/2 यहां पर भी है और 1/2 यहां पर भी है, तो सारे में से आप 1/2 कॉमन ले लो तो सब में से 1/2 कॉमन हो गई तो यहां पर आपको क्या मिलेगा cos y / 8 प्लस का 1, यहां से आपको मिलेगा प्लस का cos 3 pi / 8 प्लस का 1, यहां से आपको मिलेगा cos 9 pi / 8 प्लस का 1, यहां से आपको मिलेगा cos 11 pi / 8 प्लस का 1। मैंने सारी वैल्यू में से 1/2 कॉमन ले लिया। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट ये आपका 1/2 है, यहां पर देखिएगा 1 2 3 और 1 4, तो ये तो आपका 4 हो जाएगा। ये आपका cos पाई बाय 8 है तो cos पाई बाय 8 ही रखो और ये आपका cos 3 पाई बाय 8 है ना, तो इसको cos 3 पाई बाय 8 के रूप में रखो। इसको देखो cos 9 पाई बाय 8 है ना, इसको हम लिख सकते हैं cos y प्लस का पाई बाय 8 के रूप में, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे पाई प्लस पाई बाय 8 को सॉल्व करोगे तो 9 पाई बाय 8 ही आ जाएगा प्लस का cos
11 पाई गई है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dx स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस का 3 पाई बाय 8 के रूप में। यहां तक आपको क्लियर समझ में आई होगी, पाई प्लस का 3 पाई बाय 8 को सॉल्व करोगे तो 11 पाई बाय 8 हो जाएगा। अब देखना dx स्क्वायर यहां पर आपका हो जाएगा 1/2, 4 है तो 4 रखो, cos पाई बाय 8 है तो cos पाई बाय 8 रखो, अब प्लस का cos 3 पाई बाय 8 है तो cos 3 पाई बाय 8 आप रखो। यहां पर देखिएगा cos 180 प्लस का थीटा के रूप में, तो cos 180 प्लस का थीटा आपका माइनस का cos थीटा होगा, क्योंकि आपका cos 180 प्लस का थीटा जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे में 10 और cos 5 होते हैं और सारे निगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का cos थीटा यानी कि माइनस का cos 5 है। यहां पर देखो cos 180 प्लस का थीटा के रूप में, तो ये भी आपका माइनस के साथ आएगा, यानी आपका हो जाएगा माइनस का 3 पाई बाय 8 के रूप में। अब देखो माइनस का cos 3 पाई बाय 8 से प्लस का cos 3 पाई बाय 8 कैंसिल, माइनस का cos पाई बाय 8 से प्लस का cos पाई बाय 8 कैंसिल, तो फाइनली मिलेगा आपको 4/2, जिसको हम लिख सकते हैं 2, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में केवल एक सिंगल कांसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको ये बताया कि cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहां से मैंने cos स्क्वायर पाई बाय 60 की वैल्यू निकाला तो cos पाई बाय 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 आया, तो cos स्क्वायर पाई बाय 60 के लिए cos पाई बाय 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 आया। इसी कांसेप्ट पर मैंने इसको भी बदला और इसको भी बदला, तो इसको मैंने डिटेल में सॉल्व किया तो आपका आंसर हुआ है। अब देखते हैं ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को आप समझिएगा, दे रखा है cos pi by 4 plus का a minus का cos pi by 4 minus का a किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो देखिएगा ये स्टूडेंट आपको दे रखा है cos pi by 4 plus का a और minus का cos, minus का cos pi by 4 और minus का a आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी ये आपको बताना है। तो देखिए cos है तो cos pi by 4 की वैल्यू आपका होता है 45 डिग्री, और प्लस का a हो जाएगा माइनस का cos pi by 4 की वैल्यू यहां पर भी 45 डिग्री, और माइनस का आपका वो a हो जाएगा। अब देखिएगा रिलेशन करेंगे क्या, यहां पर आप cos a plus b का फार्मूला लगा दो, तो cos a plus b बराबर cos a cos b माइनस का sin a sin b होता है, तो यहां पर cos a plus b का फार्मूला करो तो cos a cos b माइनस का sin a और sin b आपका हो जाएगा, क्योंकि cos a plus b के फार्मूला में माइनस आता है, ये बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, cos a minus b का फार्मूला करो तो cos a minus b बराबर क्या होता है cos a cos b प्लस का sin a sin b, तो हो जाएगा आपका cos a cos b और प्लस का sin a इनटू का आपका हो जाएगा sin b के रूप में। अब देखिएगा रिलेशन, ये आपका cos 45 डिग्री है तो इसका मान आपका होता है 1/2 इनटू का आपका हो जाएगा cos a प्लस का सॉरी माइनस का sin 45 डिग्री का मान 1/2 और sin a है तो sin a रखो, माइनस का गुणा करा दो पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस का गुणा कराओगे तो मिलेगा आपको माइनस का cos 45 डिग्री इनटू का cos a और माइनस का sin 45 डिग्री इनटू का आपको मिलेगा sin a के रूप में। अब देखना डीएस में ये आपका 1/2 का कर्णी में दो cos a है और माइनस का 1/2 कर्णी में दो sin a है और माइनस का cos 45
है और कहां से है तो कहां से माइनस का साइन करता है कितने का मान इनवर्टेड कर्ली तो होता है और साइन ही है तो साइन तो यहां से माइनस का इनवर्टेड कर्ली में दो कहां से प्लस का इनवर्टेड कर्ली में दो कहां से कैंसिल यहां से आपको मिल जाएगा माइनस का इनवर्टेड कर्ली में दो साइन है और माइनस का इनवर्टेड कर्ली में दो साइन है तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 2/2 कर्ली में 2 sin a के रूप में अब देखिएगा 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 को हम लिख सकते हैं कर्ली में 2 गुणे कर्ली में 2 के रूप में और a आपका कर्ली में 2 पहले से ही है इनटू का आपका हो जाएगा sin a कर्ली में 2 से कर्ली में 2 कैंसिल तो फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस का कर्ली में 2 sin a यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 तो क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को कैसे सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से समझिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार से दे रखा है tan 45 डिग्री प्लस का a by 2 का मान आपको बताना है tan 45 डिग्री प्लस का a by 2 का मान क्या होगा ये आपको बताना है तो ध्यान से समझिएगा ये आपका tan a plus b के रूप में है तो tan a plus b का फार्मूला को लो तो tan a plus b का फार्मूला होता है tan a plus का tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan a इनटू का आपका होता है tan b अब देखना डियर tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा प्लस का tan a by 2 है तो tan a by 2 रखो यहां पर 1 माइनस का tan 45 डिग्री का मान 1 1 का गुणा tan a by 2 में करोगे तो मिलेगा आपको tan a by 2 अब देखिएगा 1 प्लस का tan a by 2 को हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं sin a by 2 डिवाइडेड बाय cos a by 2 के रूप में बटा 1 माइनस का tan a by 2 को हम लिख सकते हैं sin a by 2 डिवाइडेड बाय cos a by 2 के रूप में अब आप LCM लेके सॉल्व करो तो LCM तो आपको मिलेगा cos a by 2 ऊपर में आपको मिल जाएगा cos a by 2 प्लस का sin a by 2 और नीचे में आपको क्या मिलेगा नीचे में भी आप एलसीएम लेके सॉल्व करो तो एलसीएम तो आपका आएगा cos a by 2 और यहां पर आपका आ जाएगा cos a by 2 माइनस का sin a by 2 तो cos a by 2 से cos a by 2 कैंसिल यहां से आगे देखिएगा ऊपर आपको मिलेगा cos a by 2 प्लस का sin a by 2 ऊपर में आपको मिलेगा cos a by 2 प्लस का sin a by 2 और नीचे में आपको मिलेगा cos a by 2 और माइनस का sin a by 2 अब डियर स्टूडेंट इस वैल्यू का आप लोग परिमेयकरण कर दें तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे cos a by 2 प्लस का sin a by 2 से गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे तो कर लेते हैं परिमेयकरण तो परिमेयकरण करने के लिए cos a by 2 प्लस का sin a by 2 से मैंने गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दो तो cos a by 2 प्लस का आपका हो जाएगा sin a by 2 अब देखो cos a by 2 प्लस का sin a by 2 cos a by 2 प्लस का sin a by 2 को हम लिख सकते हैं cos a by 2 प्लस का sin a by 2 का होल स्क्वायर यहां पर देखो cos a by 2 माइनस sin a by 2 cos a by 2 प्लस sin a by 2 यानी कि a माइनस b और a प्लस b के रूप में है जिसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं यानी कि आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a by 2 माइनस का आपका हो जाएगा sin स्क्वायर a by 2 अब ऊपर वाली वैल्यू आपका a प्लस b के होल स्क्वायर पर है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बोलो तो a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a by 2 प्लस का b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a by 2 प्लस का 2ab यानी कि आपका हो जाएगा 2 sin a by 2 इनटू का आपका हो जाएगा cos a by 2 बटे है तो बटे लगा दिया अब देखो cos square a by 2 minus sin square a by 2 किसका फार्मूला होता है
माइनस दो में से एक घटेगा, माइनस दो में से एक घटेगा तो माइनस
माइनस एक बचेगा, यानी आपको मिलेगा कड़े में पांच माइनस का एक बटे का चार। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कड़े में पांच माइनस का एक बटे चार मिलेगा, बाहर आपका कड़े में पांच प्लस का एक डिवाइडेड बाय चार आपका है। अब सबका गुणा कराओ तो दो जो काट दो 32 हो जाएगा, नीचे से आपको 32 आएगा, ऊपर आपका कड़े में 5 माइनस 1 और कड़े में 5 का 1 है, यानी a माइनस b और a प्लस b के रूप में है, जिसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कड़े में 5 का स्क्वायर करोगे 5 मिलेगा, माइनस का b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, तो 5 में से 1 घटाओगे 4 मिलेगा, और नीचे आपका 32 है तो 4 की 32 यानी आपको मिलेगा 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका इस प्रकार से है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपको दे रखा है cos स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a प्लस का 120 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर a माइनस का 120 डिग्री, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 23 की तरह है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को कैसे सॉल्व करना है। cos स्क्वायर a की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, आपको पता है कि ये स्टूडेंट कि cos 2a का जो मान होता है वो आपका होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का, यहां से आपको केवल cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू आपको यहां से मिलेगा cos 2a प्लस का 1 आपको cos स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए तो cos स्क्वायर a की वैल्यू मिलेगा आपको cos 2a प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि cos स्क्वायर a की जगह पर cos 2a प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 आप रख सकते हैं। तो cos स्क्वायर a की जगह पर हम रख लेते हैं cos 2a प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। तो सेम फॉर्म में आप इसको भी चेंज कीजिए और इसको भी चेंज कीजिए। यहां पर dx a का जो पूरा मान है a प्लस का 120 है और यहां पर जो a का पूरा मान है a माइनस का 120 डिग्री है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो इसी फॉर्म में इसको रखने के लिए क्या करेंगे, cos 2 a की पूरी वैल्यू है आपका a प्लस का 120 डिग्री और प्लस का 1 डिवाइडेड बाय आपको है 2। सेम फॉर्म में आप इसको भी चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा cos 2 a की वैल्यू है आपका a माइनस का 120 डिग्री और प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 2। अब देखिएगा 1/2 यहां पर भी है, 1/2 यहां पर भी है, 1/2 यहां पर भी है, तो सबसे आप 1/2 कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा cos 2a प्लस का 1 प्लस का, यहां से आप देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट में तो मिलेगा आपको cos 2a प्लस का 240 डिग्री और प्लस का 1, उसके बाद से यहां पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो मिलेगा cos 2a माइनस का 240 डिग्री और प्लस का 1 भी, यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा 1/2 है तो आप 1/2 रखो, a a a जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 3 यहां से प्लस का, ये आपका cos 2a है तो cos 2a रखो प्लस का, यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा cos 2a प्लस का 240 डिग्री और प्लस का cos 2a माइनस का आपका हो जाएगा 240। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखिएगा आगे के स्टूडेंट, यहां पर देखिएगा 1/2 है तो 1/2 रखो, ये आपका 3 है तो 3 रखो, ये आपका cos 2a है cos 2a प्लस का, इन दोनों में आप cos c plus cos d का फार्मूला लगा दो, जो c की पूरी वैल्यू है वो आपका 2a प्लस का 240 होगा, जो d की पूरी वैल्यू है वो आपका 2a माइनस का 240 होगा। तो cos c प्लस का cos d का फार्मूला लगाओ तो cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 इनटू का cos c माइनस d बाय 2। तो यहां से हम फार्मूला लगा लेते हैं तो 2 cos
C20/2, तो C की वैल्यू है 2A+240 प्लस का D की वैल्यू है आपका 2A-240 और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 2 इनटू का C-D/2 होता है, तो इनटू का आपका हो जाएगा cos C, C की वैल्यू है आपका 2A+240 और माइनस का D की वैल्यू है आपका 2A-240, तो माइनस का हम गुणा करा देंगे तो माइनस का 2A+240 हो जाएगा, तो माइनस का 2A+240 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आपका 2 हो जाएगा। cos C-D/2 तो cos C की वैल्यू आपका 2A+240 माइनस का D, तो माइनस से मैंने गुणा करा दिया तो माइनस का 2A और A माइनस वाला प्लस का 240/2 हो गया। यहां तक आपको क्लियर है? अब देखिएगा माइनस का 240 प्लस का 240 माइनस का 2a और प्लस का 2a कैंसिल, तो यहां से आपका आगे क्या मिलेगा देखिएगा ध्यान से क्लियर स्क्रीन। यहां से आपका 1/2 तो है नहीं, a आपका 3 है तो 3/2, a आपका cos 2a है तो cos 2a ही रखना है, प्लस का 2 cos 2a, 2a छोड़ोगे तो 4a होगा और 4a/2 फॉर्म में आ सकते हैं 2a के बराबर into का। यहां पर आपको यह रखा 240 240 480 480/2 कितना होगा 240 डिग्री के बराबर। अब देखिएगा डीएस पे 1/2 है तो 1/2 यहां पर 3 प्लस का cos 2a प्लस का 2 cos 2a cos 240 डिग्री का मान लिया, तो cos 240 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos 240 डिग्री का 240 हम क्या लिख सकते हैं का 180 प्लस का 60 के रूप में, तो cos 180 प्लस का थीटा आपका तीसरे चतुर्थांश में आता है और तीसरे में केवल आपका 10 और cot 5 होता है, ये तो आपका cos है तो माइनस का आपका हो जाएगा cos थीटा, तो माइनस का cos 60 डिग्री का मान 1/2, यानी कि cos 240 डिग्री का मान माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो यहां पर cos 240 का मान माइनस का 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब देखना माइनस का cos 2a और प्लस का cos 2a माइनस का cos 2a कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को कैसे सॉल्व करना है। इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है और प्रत्येक क्वेश्चन को डीएल स्टूडेंट कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरी तरह से कांसेप्ट क्लियर हो जाए और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड में हल कर जाए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को आपको दे रखा है cos 20 डिग्री प्लस का cos 100 डिग्री, आपको दे रखा है cos 20 डिग्री प्लस का cos 100 डिग्री प्लस का cos 140 डिग्री प्लस का cos 90 डिग्री। यहां पर देखिएगा ये आपका cos 20 डिग्री है तो cos 20 डिग्री रखो, यहां पर देखिएगा cos 100 डिग्री प्लस का cos 140 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं cos 140 डिग्री, cos 140 डिग्री और प्लस का cos 100 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान आपका होता है 0। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है देखिएगा, cos 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री रखो, यहां पर देखिएगा cos c + cos d के रूप में, cos c + cos d के रूप में है तो cos c + cos d का फार्मूला लगा दो, तो cos c + cos d का फार्मूला होता है 2 cos c + d/2 into का आपका होता है cos c - d/2। यहां तक आपको क्लियर है? अब देखिए cos 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री रखना है प्लस का 2 cos, यहां पर 140 और
40 डिवाइडेड बाय 2 आपका कितना होगा 120 डिग्री के वाला इनटू का cos 140 में से 100 लगाओगे तो 40 और 40 बटे 2 आपका 20 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिएगा cos 20 डिग्री प्लस का 2 cos 120 डिग्री का जो मान होता है वो आपका माइनस का 1 बटे 2 होता है। मैंने कई बार निकाल के आपको बता चुका हूं इनटू का आपका हो जाएगा cos 20 डिग्री। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल तो मिलेगा आपको cos 20 डिग्री और माइनस का cos 20 डिग्री तो cos 20 डिग्री या माइनस का cos 20 डिग्री कैंसिल होगा तो 0 मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखते हैं रिलेशनल क्वेश्चन नंबर 29। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है ये आपका चैप्टर नंबर 14 में भी देखा गया, चैप्टर नंबर 15 में भी देखा गया और चैप्टर नंबर 16 में भी दे रखा है। आपको इस प्रकार से दे रखा है यदि चक्री चतुर्भुज के कोण ए बी सी तथा डी है तब cos a plus cos b plus cos c plus cos d का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका चक्री चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया तो आमने सामने के जो कोणों का योग होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि कोण बी प्लस का कोण डी का जो मान होगा वो आपका 180 डिग्री होगा और जो आपका कोण सी और कोण ए का जो मान होगा यानी कि कोण ए प्लस का कोण सी का योग होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसी बेस पर आपको cos a plus cos b plus cos c plus cos d का मान निकालना है। तो देखो ये आपका cos a है तो cos a रखो प्लस का cos b है तो cos b रखो प्लस का cos c और प्लस का आपका है cos d। तो देखो cos a है तो cos a रखना है प्लस का cos b है तो cos b रखना है प्लस का cos c तो cos है तो cos c की जगह पर हम क्या ले सकते हैं तो कोण a प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री है। तो केवल और केवल यदि आप कोण c का मान निकालोगे तो 180 माइनस का a मिलेगा यानी c की जगह पर हम लिख सकते हैं 180 माइनस का a प्लस का ये आपका cos है तो cos d की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कोण b और कोण d का मान 180 है। तो केवल कोण d का मान 180 माइनस का a होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं 180 माइनस का a के रूप में। अब देखो cos a है तो cos a प्लस का cos b है तो cos b cos 180 माइनस का थीटा cos 180 माइनस का थीटा आपका होता है माइनस का cos थीटा यानी माइनस का cos a हो जाएगा प्लस का cos 180 माइनस का थीटा ये भी आपका हो जाएगा माइनस का cos थीटा। ये आपका किस में चेंज हुआ है ये आपका है कोण d बराबर 180 माइनस का b होगा ना तो यहां पर आपका b है तो ये आपका हो जाएगा माइनस का cos b तो माइनस cos b प्लस cos b माइनस cos a प्लस cos a कैंसिल तो फाइनली आपको मिल जाएगा 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 38 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा चक्री चतुर्भुज के यदि कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया हो और आपसे पूछे cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d का मान क्या होगा तो हमेशा आपका 0 के बराबर होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 तो क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका इस प्रकार से है cos x बराबर आपको दे रखा है 3/4 आपको cos x बराबर दे रखा है 3/4 तो आपको बताना है कि sin x by 2 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखना डियर स्टूडेंट ध्यान से cos x बराबर आपका 3/4 है तो आपको पता है कि cos x बराबर हम लिख सकते हैं 1 minus का 2 sin square x by 2 के रूप में क्योंकि cos x का जो फार्मूला होता है 1 minus का 2 sin square x by 2 होता है। अब cos x का मान है आपका 3/4 बराबर 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x / 2। अब माइनस का 2 sin स्क्वायर x / 2 को आप लेफ्ट साइड लाइए तो मिलेगा आपको 2 sin स्क्वायर x / 2 1 है तो 1 3/4 को राइट साइड ले जाएंगे
लीजिएगा 2 sin स्क्वायर x 2, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 4 * 4 4 में से 3 जाएगा 1/4 मिलेगा। तो यहां से आपको मिलेगा sin स्क्वायर x 2 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/4। आपको चाहिए कि वो sin x 2 की वैल्यू, तो sin x 2 की वैल्यू आपको मिलेगा 1/2, क्योंकि 1/8 का जो गुण होगा वो आपका 1/2 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 को आप ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 को आप ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। एक बार आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपको इस प्रकार से दे रखा है। आपको दे रखा है साइन 2a प्लस का कॉस 2a बराबर आपको दे रखा है 3/2। आपको बताना है साइन 4a का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो करते क्या है डियर स्टूडेंट, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा साइन 2a प्लस का कॉस 2a का होल स्क्वायर और 3/2 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 9/4। अब a आपका जो वैल्यू है a प्लस b के होल स्क्वायर पर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर करो तो a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर 2a प्लस का cos स्क्वायर 2a प्लस का 2 sin a * cos a यानी 2 sin 2a * का cos 2a बराबर आपका हो जाएगा 9/4। यहां पर देखिएगा sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हैं, 1 के रूप में लिख सकते हैं प्लस का ये आपका 2 sin 2a, 2 sin 2a * का cos 2a बराबर आपका हो जाएगा 9/4। तो यहां से आप निकालोगे 2 sin 2a * का cos 2a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको मिलेगा 9/4 माइनस का है। तो यहां पर देखिएगा डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जो आपका sin 2a का फार्मूला होता है वो आपका होता है 2 sin a * का cos a। यानी कि यदि 2a का फार्मूला है तो फार्मूले में आपका a आता है, यदि 2a का फार्मूला है तो फार्मूले में a आता है। तो यहां पर आपका फार्मूले में 2a आया है, यानी कि यह जो होगा ये आपका sin 4a का फार्मूला होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका 2a का फार्मूला होता है तो फार्मूले में a आता है, तो यदि आपका 4a के फार्मूला होगा तो फार्मूले में आपका 2a आएगा, यानी कि sin 4a बराबर आपका हो जाएगा 2 sin 2a * का 2a तो बराबर आपका हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो नीचे तो आपका 4 आएगा, तो 9 - 4 यानी 5/4 हो जाएगा। इस तरीके से sin 2a 4a की वैल्यू 5/4 होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका बिल्कुल सिंपल और आसान है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को, cot a/2 माइनस का tan a/2 का मान किसके बराबर है ये आपको बताना है। आपको बताना है कि cot a/2 माइनस का tan a/2 की वैल्यू किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो देखिएगा cot a/2 हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos a/2 बटे का sin a/2 माइनस tan a/2 को हम लिख सकते हैं sin a/2 बटे का cos a/2 भी। अब एलसीएम ले लो तो एलसीएम आपको मिलेगा sin a/2 * का cos a/2। अब cos a/2 का cos a/2 में गुणा होगा तो मिलेगा आपको cos स्क्वायर a/2 माइनस का sin a/2 का sin a/2 में गुणा होगा तो आपको मिलेगा sin स्क्वायर a/2।
अब cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस का sin स्क्वायर a बाय 2 किसका फार्मूला होता है cos a का, और नीचे में आपका sin a बाय 2 इनटू का cos a बाय 2 है। अब देखिएगा यदि आपका यही नीचे वाला वैल्यू 2 sin a बाय 2 इनटू का cos a बाय 2 आता तो sin a का फार्मूला बनता। तो फार्मूला का रूप देने के लिए करते क्या है, ऊपर के नियम को से गुणा कर देते हैं और नीचे में भी हम 2 से गुणा कर देते हैं, वो 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया। अब देखिए हम ऊपर तो आपका होगा 2 का से, नीचे में देखो 2 sin a / 2 * का cos a / 2 हम क्या लिख सकते हैं sin a के रूप में। तो यहां पर देखिएगा 2 है, यहां पर आपका 2 है, cos a / sin a को हम क्या लिख सकते हैं cot a के बराबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 2 cot a होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। अब देखते हैं ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 ये आपका बिल्कुल सिंपल और आसान है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपको दे रखा है 10 पाई बाय 4 प्लस का थीटा बाय 2 प्लस का 10 पाई बाय 4 माइनस का थीटा बाय 2 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ये ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। आपको दे रखा है 10 y by 4 plus का theta by 2 plus का 10 pi by 4 minus का theta by 2, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा 10 है तो 10 रखो, pi by 4 किसके बराबर होता है 45 डिग्री के बराबर, प्लस का theta by 2 है तो theta by 2 रखो। अब देखिएगा theta by 2 है ठीक है, उसके बाद से प्लस का 10 पाई बाय 4 आपका 45 डिग्री होगा और माइनस का थीटा बाय 2 है तो थीटा बाय 2। यहां पर देखो 10 a plus b के रूप में है और ये आपका 10 a minus b के रूप में है, तो 10 a plus b का फार्मूला करो तो 10 a plus का 10 b divided by 1 minus का 10 a into का आपका हो जाएगा 10 b के रूप में। अब बीच में प्लस है तो प्लस 10 a माइनस b का फार्मूला करो तो मिलेगा आपको 10 a माइनस का 10 b डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 10 a इनटू आपका हो जाएगा 10 b। अब देखिएगा 10 पे आगे डिग्री का मान 1 होता है प्लस का 10 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 10 पे 45 का मान 1 होता है, एक का उधर 10 थीटा बाय 2 में करोगे तो मिलेगा आपको 10 थीटा बाय 2 और प्लस का यहां पर देखिएगा 10 45 का मान 1 माइनस का 10 थीटा बाय 2, नीचे में आपका 1 प्लस का 10 45 का मान 1 और एक का उधर 10 थीटा बाय 2 में करोगे तो मिलेगा आपको 10 थीटा बाय 2। अब एलसीएम लेके सॉल्व करो तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में मिलेगा आपको 1 माइनस का 10 थीटा बाय 2 और एक ब्रैकेट में मिलेगा आपको 1 प्लस का 10 थीटा बाय 2। यहां पर 1 प्लस का 10 थीटा बाय 2 का 1 प्लस का 10 थीटा बाय 2 में गुणा होगा तो मिलेगा आपको 1 प्लस का 10 थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, 1 माइनस का 10 थीटा बाय 2 का 1 माइनस 10 थीटा बाय 2 में गुणा होगा तो 1 माइनस का 10 थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये आपका a प्लस b का होल स्क्वायर पर है और ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर पर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर को लो तो क्या होगा a स्क्वायर यानी a प्लस का b स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर थीटा बाय 2 और प्लस का 2ab यानी आपको मिलेगा 2 tan थीटा बाय 2, बीच में प्लस है तो प्लस लगा, ये आपका जो वैल्यू है a माइनस b का होल स्क्वायर पर है तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि आपको मिलेगा माइनस का 2 tan थीटा बाय 2। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट ये आपका a माइनस का b और a प्लस b का रूप में है, a माइनस का b और a प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, तो a का स्क्वायर a और tan थीटा बाय 2 का स्क्वायर के रूप में तो मिलेगा आपको tan स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है, तो देखिएगा ये आपका माइनस का
टू टेन थीटा बाय टू और प्लस का टू टेन थीटा बाय टू कैंसिल होगा, ए और ए जोड़ोगे तो मिलेगा आपको दो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बाय टू और टेन स्क्वायर थीटा बाय टू जोड़ोगे मिलेगा आपको टू टेन स्क्वायर थीटा बाय टू बटेगा नीचे में देखो वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाय टू है ना, तो वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाय टू ऊपर में दो कॉमन है तो दो कॉमन ले लो तो मिलेगा आपको वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बाय टू और नीचे में आपको मिलेगा वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। अब देखिएगा रिलेशन, आपको फार्मूला पता है कि कॉस थीटा का जो मान होता है वन माइनस का टेन स्क्वायर वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बाय टू होता है। कॉस थीटा का मान वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाय टू बटे का वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बाय टू होता है। तो यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा दिया है, वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बाय टू बटे वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाय टू को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दो बटे का कॉस थीटा टू। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाय टू बटे वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, यहाँ पर तो इसका उल्टा दिया है तो कॉस थीटा को भी उल्टा कर दिया तो वन टू बटे का कॉस थीटा हो गया, तो दो बटे का कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टू सेक थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा टू सेक थीटा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, इस चैप्टर का लास्ट के दो क्वेश्चन और बचे हैं तो ध्यान से इन दोनों क्वेश्चन को समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। एक आपका क्वेश्चन नंबर 34 है और एक आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 34 और 35 को। आपको क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है cos थीटा बराबर, आपको दे रखा है cos थीटा बराबर, आपको दे रखा है डीएक्स स्टूडेंट एक बटे दो एक्स प्लस का वन अपान एक्स के होंगे। कॉस थीटा बराबर आपको दे रखा है एक बटे दो एक्स प्लस का वन अपान एक्स के होंगे, तो आपको एक बटे दो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताना है। तो देखना यहाँ से हम एक्स प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्स प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू आपका टू कॉस थीटा के बराबर होगा। अब दोनों बच्चों का वर्ग कर दो तो दोनों बच्चों का वर्ग करोगे तो 1x + 1 / x का स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 4 cos स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको क्लियर है? मैंने दोनों बच्चों का वर्ग कर दिया तो x + 1 / x का स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा और 2 cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब इसको आप a + b के होल स्क्वायर में खोलो तो a स्क्वायर + का b स्क्वायर प्लस का 2, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू आपका 1 / x है बराबर आपका हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। यहां से x कैंसिल तो यहां से आपका x स्क्वायर प्लस का 1 / x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, x स्क्वायर प्लस 1 / x स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको 4 cos स्क्वायर थीटा और 2 आपका राइट साइड जाएगा तो माइनस का हो। अब देखिएगा x स्क्वायर प्लस 1 / x स्क्वायर, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है तो 2 आप कॉमन ले लो तो मिलेगा आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिएगा ये स्टूडेंट ये आपका x स्क्वायर प्लस 1 / x स्क्वायर है और 2 है तो 2 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का किसके बराबर होता है, आपका होता है cos 2 थीटा के बराबर। आपको बताना है 1 / 2 x स्क्वायर प्लस 1 / x स्क्वायर की वैल्यू तो 2 को भी यहां इसके नीचे लेकर आते हैं तो मिलेगा आपको 1 / 2 x स्क्वायर प्लस 1 / x स्क्वायर की वैल्यू आपका cos 2 थीटा के बराबर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है उसको ध्यान में रखना है। जैसा कि इसमें आपसे पूछ रहा था कि 1 / 2 x स्क्वायर प्लस 1 / x स्क्वायर की वैल्यू तो मैंने 2 को नीचे लेकर आया x के साथ तो 1 / 2 x स्क्वायर प्लस 1 / x स्क्वायर की वैल्यू cos थीटा के बराबर होगा। अब देखते हैं ये स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 35 तो क्वेश्चन नंबर 35 आपको दे रखा है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा ये आपको बताना है। आपको बताना है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इसका अधिकतम मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो अधिकतम मान निकालने का जो फार्मूला होता है यानी यदि आप किसी भी समीकरण की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यदि आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है माइनस का रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो इस समीकरण का आपको ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा से आपको कंपेयर करना है तो ए की वैल्यू आपको 2 मिलेगा और बी की वैल्यू आपको 3 मिलेगा। इस समीकरण को a sin थीटा प्लस b cos थीटा से आप कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगा 2 और b की वैल्यू आपको मिलेगा 3। आपको अधिकतम मान बताना है यानी रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकाल दो तो रूट ओवर a की वैल्यू आपका है 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, b की वैल्यू आपका है 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 4 की 13 के बराबर होगा। इस तरीके से 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का अधिकतम मान आपका कॉलम में दिया हुआ है यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरीके से ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 16 आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में मैंने आपको बताया इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक के सारे प्रश्नों का सार। फिर यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।